खुश लगे सब दोस्तों बहुत अच्छा हो गया इन सब सिलेक्ट हो गए बल्कि इलेक्ट हो गए फिर सभी साहब का इनाम साथ मुयसर आया बहुत अच्छा वक्त गुजरिया दोस्तों की वजह तू साथियों की वजह तू जनाब मैथमेटिक्स का जनरल सैकटरी भी बनिया मेरे नाल गुलाम रबानी साहब जो सन नायब सदर सन लतीफा अगे जाके बनिया ये कि एक लड़का सी उन्हें एम एस सी मैथ की मैं ना याद नहीं हो एक बाल मुझे ताया साहब अल्लाह उन्होंने दिखे रंग करे अगर फोत हो गए अगर जिंदा ने अल्लाह खुशो को रखे वह आके कहने जी मैं यूनिवर्सिटी को एम एस सी की लिहाजा मनो मैथ है जो जल्द सैकटरी बनाओ वक्त गुजर गया जी सिर्फ दूसरे तीसरे दिन फंक्शन से मैं कहने भाई जनरल सैकटरी होगा तो तू मुआवनत करेगा मैं उस लगा कि अगर इसने जनरल सैकटरी होना सी इलेक्शन लड़ लगा इलेक्शन अगर तो इलेक्शन ना होंगे सिलेक्शन होंगी तो कर लगे अल्लाह करवट करवट आसानियां पैदा करे वो जनाब वक्त के नाम मैं तकलीफ हुई मैं महबूब हाशमी साहब न गुजारिश की सर इलेक्शन तो मैं जितया एक किस तरह आगे तो प्रेसिडेंट बन जाता है जनरल सैकटरी आशिम साहब मैं फरमाते ने कहते ने आ जाओ जा बुला के लिया अगू जमींदार साहब मैं बुलाया ताहिर साहब बहुत गुस्सा आया कि इस बंदे ने किया की है मेरी शिकायत कर दी बेनजीर का दौर आया कि कह ले बेनजीर अनइलेक्टेड बंदे मशीर से रख सकती है वजीर नहीं रख सकती आशिम साहब के लिहाजा ये क्योंकि इलेक्टेड जनरल सैकटरी यही रहेगा उन्होंने मुआवन बना दो ताहिर साहब गुस्सा लगा ताहिर साहब कहते पर मेरी नजर दूर हो जा मैं क्या सर वो कहना पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं एम एस सी करके आया वो अगर लंदन तू ही आ जाए ना पी एच डी करके इतने बी एड असं कर रहे हैं दोनों बराबर हाँ अभी थोड़े छके मैनु ए चीज बारे च नहीं मैं तकलीफ जरूर हुई है लेकिन इतने असि शागिर्दी हसीत ना असि थोड़े तो रोह पानी आए हालांकि मैं उस वक्त खुद टीचर सा बड़ा ही जिस रिजल्ट लैन आया ऐसा जरा सामने आ गया कहते ने भरा थोड़ा बी एड चो जरा फर्स्ट आया कॉलेज चो मैं आख्या गल कर कोई होना ही मूह अपना देखी क्या दे? जाके भाजी नाले मूह धो के आ फिर मैं दसी आज 35-36 साल हो गए ने इस निभद्या इन्हें एक दिन गुस्सा नहीं किया सिर्फ उस दिन गुस्सा किया हम कहना रिजल्ट लाए मैं क्या नहीं बह मेरी फड़ी भजा भजा चल शफकत बट को जाके कहने बट साहब कौन फर्स्ट आया मैं मतलब शीर है कहना हूं चैन आया ही साए मैं कह जी मेहरबानी गलती होगी महाराज जी अल्लाह ताला ने बड़े करम किए जिस तरह उन्होंने फरमाया कि साढ़े खलंडड़ा जहा ग्रुप से गुजरातियों के गुजरानियों का रब ने बड़े करम किए ने तुहाडे दोस्तों की वजह तो असि हर जिदा सवा साल रहे हैं 14 महीने बड़े करम दे इन्हां नाल लतीफा मनसूब जिस विच जी मैस होए ना तो दूजे दिन मेरे ही कमरे के सामने बैठे अखबार ही छपे कहते ने अखबार यार ढूंढना है मैं चल सा कर कहते अखबार ढूंढने का अखबार भी मैं रखे से अंदर मैं काबू कर लिया थे मैं यार गल सुन मेरी है तो पति भाई मैं जंगल की भुख पैगी जो जंगल की भुख पैगी ना तो जानवर रोटी कोई ना कोई ना खाने पीने लगे बंदर तो शेर आए सामने मैं यार भुखे हो गए कुछ अंदर जाना चाहिए बंदर ने आया चल बट बारी बटक कर देने बस कर और इतने आख्या
ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੱਪਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਲਮ ਦਵਾਨ ਦਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਐਨਕ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਰੱਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਗਰ ਵੜਿਆ ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਰੀਓ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਇਹਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਮਸੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤੇ ਵਾਲਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਫੀਕ ਤਾਇਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕ